Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video, we are going to continue the series of CS432, that is network modeling and simulation. And as you can see, इस particular video में हमने इंशाल्लाह week number 4 जो है वो अपना उसकी discussion start करनी है, ठीक है? अच्छा, अब week 1, 2, 3 जो है वो हमारे cover हो चुके हैं. अब week 4 में, as you know, कि हमारा lecture number 42 जो है, जो हमारा topic number 42 है, वहाँ से हम अपनी discussion जो है वो start करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एक्सटेंडिंग टिकटॉक. एंड इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स, हमने देखा था कि टिकटॉक जो है वो बेसिकली कह लें कि एक मीन है, एक वे है जिसके ज़रिए से हम जो है वो सिमुलेशन अपनी कैरी आउट कर सकते हैं होमनेट में, ठीक है? तो इसको हम आगे जाके भी देखेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि टिकटॉक में हम यहाँ पे डिफरेंट इसके पैरामीटर्स, इसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो देखते आ रहे हैं. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने देखना है टॉपिक नंबर 14, दैट इज़ डिस्प्लेइंग नंबर ऑफ़ पैकेट्स सेंट एंड रिसीव्ड. अच्छा, अब यहाँ पे हर एक्सटेंशन में टिकटॉक की हम जो है वो देखते हैं कि कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे आपके पास NED फाइल्स होती हैं, फिर कुछ आपके पास लाइक C++ में जो हम कोड कर रहे होते हैं उसकी आपके पास फाइल्स होती हैं, ठीक है? फिर कुछ मैसेज और फिर कुछ इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं. तो खैर, अब यहाँ पे आप देखें कि आपने एज इट इज़ ये पूरे का पूरा कोड नहीं याद रखना. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड सम ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछ ले कि NED फाइल्स में या टिकटॉक की फंक्शनैलिटीज़ में हम कोई भी वेरिएबल जो है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आपने कहना है कि भाई कोई क्लास लेते हैं, ठीक है? उस क्लास में एक मतलब तीन तरह के वैसे तो आमतौर पे पार्ट्स होते हैं. पहले यहाँ पे आपके पास प्राइवेट में कुछ वेरिएबल्स होंगे एंड देन फिर प्रोटेक्टेड में हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? पहली बात. दूसरी बात ये कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि नंबर ऑफ़ सेंट पैकेजेस या नंबर ऑफ़ सेंट पैकेट्स एक वेरिएबल था जिसको हमने डिक्लेयर करना था, तो हमने क्या किया कि पहले उसकी डेटा टाइप लिखी विच वॉज लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर केस. इसके अलावा ये यहाँ पे डबल भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर डेटा टाइप भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि आपने पहले जो है वो अपनी लाइक डेटा टाइप को मेंशन करना है और फिर उसके बाद आपने उस वेरिएबल का नाम लिख के आखिर में सेमी कॉलन जो है वो डाल देना है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अब बात आ गई कि अगर वो आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके पास मेथड है तो आपने उसको कैसे इनिशियलाइज़ करना है, तो आपने यहाँ से ये याद रख लेना है कि इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करते हैं. अच्छा, फिर उसके अलावा अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इतनी सी आपने कोड की जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो आपने देखनी है कि इफ़ लूप में हम पहले कहते हैं कि अगर तो जो इवेंट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का है, लाइक हम जो एंड यूज़र होता है वो उसे इंटरेक्ट कर सकता है. अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम फिर क्या करेंगे कि अपडेट डिस्प्ले, लाइक ये भी एक और फंक्शन है कि हमने जो है वो डिस्प्ले फंक्शन जो है, जो अपडेट डिस्प्ले फंक्शन है वो जो है वो रन करवाना है, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि ये पूरे का पूरा कोड आपको एज इट इज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. आपने बस क्या करना है कि आपने मतलब ये जो इन ब्लॉक्स में पॉइंट आउट हो रहे हैं ना कि इस कोड में ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो बस आपने इनको एक दो बार गौर से देख लेना इन केस अगर आपके पास पेपर में आ जाता है, ठीक है? इसी तरह गेट डिस्प्ले स्ट्रिंग जो है ये क्या करेगा कि ये आपको एज इट इज़ जो है वो मतलब आपके पूरे कोड ब्लॉक में, आपकी फ़ाइल में, आपके कोड की फ़ाइल में जो भी स्ट्रिंग का डेटा होगा, जो टेक्स्ट फाइल से मिलता जुलता होगा, वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा, ठीक है? इन लास्ट टू स्लाइड्स का आपने कुछ करना नहीं है. हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 42, सॉरी 43. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि हमने इसमें अब एक और पैरामीटर जो है वो इसका डिस्कस करना है विच इज़ विजुअलाइजिंग आउटपुट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, अब इस स्लाइड में ओवरऑल आपको क्या बताया हुआ है कि जैसे देखें जो एक स्केलर फाइल होती है आपके पास, ये देखें जो एक्सटेंशन लिखी हुई है डॉट स्केलर और फिर ये है डॉट वैक्टर. अब इन दोनों को देखें तो एज इट इज़ इनमें क्या डिफरेंस है कि जब हम स्केलर फाइल देख रहे होते हैं तो सिर्फ उसमें आपके पास जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो स्केलर इन नेचर होंगे, लाइक सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हम फिज़िक्स में मैट्रिक FSE में पढ़ते थे. तो इसी तरह लाइक सिर्फ इनका स्केलर में हम कहेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड है और सिंपल हम कोई कैलकुलेशन इनसे मैनिपुलेट कर सकेंगे, जैसे मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है? लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो इसमें आपके पास कुछ फंक्शंस भी आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास हैंडल मैसेज का फंक्शन आ गया. इसी तरह कुछ वेक्टर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जैसे टाइम वैल्यू. तो कहने का मकसद है कि वेक्टर फाइल में आपके पास सारे वेक्टर्स होंगे और स्केलर में जो है वो सारे मैग्नीट्यूड इन नेचर वाले जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको डील कर रहे होंगे.
अच्छा, फिर उसके बाद इस स्लाइड में से आपने ये याद रखना है कि लाइक ओमनेट प्लस प्लस में ये जो आपके पास IDE होता है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, उसमें जब भी हमने कोई सिमुलेशन एंड करनी होती है तो हम फिनिश फंक्शन से जो है वो उसको एंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और आपने क्या करना है, अब ये देखें, ये जो दो कोड की लाइन्स हैं वो स्टेटिस्टिक्स को अपडेट कर रही हैं। देखें, जो होप काउंट वैक्टर डॉट रिकॉर्ड है, अब ये बेसिकली क्या करेगा कि ये देखेगा कि ऐसे पूरे रिकॉर्ड में कितने जो हैं वो आपके पास वेक्टर्स मौजूद हैं, उनको जो है वो होप काउंट से लेके, मतलब इस आपके पास फंक्शन में वो रख देगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या करेगा, वो भी स्टैटिस्टिक्स ही अपडेट कर रहा है और वो ओवरऑल पहले कलेक्ट करेगा। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो इट मे हैपन कि आपको देखने से थोड़े से रफ़ लग रहे हो, लेकिन कहने का मकसद है कि कोड में से सिर्फ ये जो मैं आपको लाइंस बता रही हूँ वो आपने करनी है एज़ इट इज़। ये पूरा पूरा कोड कभी भी आपके पेपर में नहीं आता। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पे एज़ यूजुअल आपने लास्ट टू स्लाइड्स का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ टॉपिक नंबर 44। अच्छा, अब ये टिकटॉक की एक्सटेंशन का एज़ हमारे पास जो है वो लास्ट पैरामीटर है, लास्ट टॉपिक है, और इसमें हमने क्या देखना है, सीक्वेंस चार्ट्स एंड इवेंट लॉग्स का। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्लाइड में वो कह रहा है कि जो ओमनेट प्लस प्लस है वो हमें इस बात के लिए अलाउ करता है, हमें इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम स्केलर और मतलब वेक्टर फाइल्स जो होती हैं उनकी आउटपुट को जो है वो विजुअली देख सकें, लाइक उसको हम विजुअलाइज कर सकें, हम देख सकें, ठीक है। और डिफरेंट टूल्स इसमें जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि ये जो आउटपुट फाइल्स हैं स्केलर्स की और वेक्टर्स की, उनको हमने क्यों यूज़ करना होता है। हो सकता है कि हमने फ़िल्टर करना हो डेटा को, ठीक है, उसके अलावा प्रोसेसिंग के लिए हमें हेल्प मिल जाती है, और उसके अलावा एट द वेरी एंड हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, हमारा जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट हो उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ स्लाइड्स हैं कि हम हिस्टोग्राम्स और बार चार्ट्स और लाइन चार्ट्स की हेल्प से कैसे जो है वो शो कर सकते हैं। खैर, ये भी नहीं आता होता शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग में, मतलब जो डायग्रामेटिकल आपके पास स्लाइड्स हैं डायग्राम्स वाली, उसमें से कुछ जो हैं अगर वो आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। खैर, अब यहाँ पे सिमुलेशन एनालिसिस की जो है वो थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लाइक अगर जो भी सिमुलेशन होती है, जैसे हमने एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सिलेबस ये देखा था कि एसएच मॉडलिंग और सिमुलेशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम सिमुलेशन के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, उनका जायज़ा लगाते हैं, तो दिस इज़ वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि इसमें बहुत ज़्यादा देर लगती है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है कि लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास सिमुलेशन एनालिसिस के बाद रिजल्ट आता है उसको यूज़र्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालने के लिए, कि जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो वो वाली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर कंक्लूजन्स या नतज ड्रॉ करने के लिए यूज़ हो सकती है। अच्छा, अब इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एनालिसिस फाइल के ऊपर। पहली बात, आपने MCQs के लिए एक्सटेंशन इसकी याद रखनी है .anf बिकॉज इट इज़ एन एनालिसिस फाइल, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस फाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जो आपके पूरे डेटा में से स्टेप्स को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। और वो स्टेप्स किस चीज़ के लिए होते हैं, कि आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकें, कि आपके पास कोई बहुत बिगर डेटा है तो उसमें से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेट ऑफ डेटा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प आउट कर रहा है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं और रिजल्ट हमें वेरी इजीली पता चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एनालिसिस फाइल के कुछ ऑपरेशंस या कुछ फंक्शनैलिटीज़, उसके कुछ यूज़ेस हैं कि हम रिजल्ट फाइल्स को लोड कर सकते हैं, फिर उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड एट द वेरी एंड हम चार्टिफाई कर सकते हैं रिजल्ट्स को, यानी कि डिफरेंट चार्ट्स की मदद से जो है वो हम उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब वैसे ही क्वेश्चन कम ही बनता है, लेकिन आपने बस इसको एक बार देख लेना है इन केस अगर आ भी जाए पेपर में कि एनालिसिस फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है कि रिज़ल्ट फाइल पे पहले डबल क्लिक करना है, ठीक है, लाइक पहले आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाना है, वहाँ पे फिर आपने डबल क्लिक करना है रिज़ल्ट फाइल पे, फिर ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि भाई प्री फिल हो जाएगा फोल्डर और फाइल का नाम, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है ये जो फाइल नेम आपको नज़र आ रहा है new.anf, ये पहले से फिल हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपके फाइल की लोकेशन होगी उसके हिसाब से। तो इस तरह हम एनालिसिस फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक दो स्टेप हैं। खैर, अब एनालिसिस एडिटर को हम यूज़ करते हैं तो हम उसको तीन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इनपुट फाइल्स के लिए,
देन डेटा सेट्स के लिए और फिर चार्ट्स के लिए। अब इनपुट फाइल्स के लिए बात करें तो पहला स्टेप आपका एनालिसिस एडिटर को यूज़ करने के लिए ये होगा कि आपने इस बॉक्स में से इनपुट फाइल को पहले सेलेक्ट करना है। एंड वंस यू आर डन विद दिस तो आपने ब्राउज डेटा वाली विंडो आपके पास खुल जाएगी और वहाँ से आपने डेटा को ब्राउज़ करना है। लाइक ये जो आपके पास सारा डेटा है उसमें से हमने सर्च करना है अपना रिक्वायर्ड डेटा और आखिर में हम फिल्टर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फ़िल्टर एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये आपने अगेन शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, फ़िल्टर एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो आमतौर पे एटॉमिक पैटर्न्स का बना होता है, ठीक है, और उसके अलावा इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये ऑपरेटर्स कौन से हैं? अगर आपने कभी पहले किसी क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो ऑपरेटर्स आमतौर पर ये एंड और नोट, ठीक है, जिन्हें हम गेट्स भी बोल रहे हैं, लॉजिक गेट्स। तो फ़िल्टर एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कुछ एटॉमिक पैटर्न्स होते हैं और वो कनेक्टेड किसकी हेल्प से होते हैं? ऑपरेटर्स की हेल्प से। और वो ऑपरेटर कौन से हैं? एंड और नॉट। और अगेन ये इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, या आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेनी है। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है या इसकी फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे फील्ड का नाम होता है और फिर उसका जो भी पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, अब फील्ड का नाम, इसके एग्जाम्पल जो दी हुई है इसमें फील्ड का नाम मॉड्यूल था, फिर आगे पैटर्न दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पैटर्न में मतलब सिंक है, फिर वो एंड के साथ कंबाइन हुआ हुआ है, नेम क्यूइंग टाइम के साथ, मतलब यहाँ पर देखें ये इतना सा एक है, ठीक है, पैटर्न, और फिर ये एंड के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है इन दो से, मतलब या तो क्यूइंग टाइम और ट्रांसमिशन टाइम, मतलब या तो क्यूइंग टाइम सेलेक्ट होगा या फिर ट्रांसमिशन टाइम। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में और गेट है और इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा उसको हम सिंक के साथ एंड कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ फिल्टर एक्सप्रेशंस बेसिकली वर्क लाइक। अच्छा, अब डेटा सेट्स की बात करें, सबसे पहले आपने डेटा सेट्स को एडिट करना होता है एंड देन हम वहाँ से कंप्यूट करते हैं वेक्टर्स और फिर ऑनवर्ड से हम स्केलर्स को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस स्लाइड को आपने एक बार जो है वो रीड आउट कर लेना है। ओवरऑल आपको डेटा सेट का ही जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अच्छा, फिर लेक्चर 46 आ जाता है, इसमें हमने बेसिकली बात करनी है कि हम जो डेटा सेट्स देख रहे थे उनको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। सो ये वही स्लाइड है जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसको आपने रीड कर लेना है। तो डेटा सेट्स जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा सेट है जो डिस्क्राइब करता है इनपुट डेटा को, फिर उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग अप्लाई की गई, और फिर एट द वेरी एंड हमने उसके आउटपुट को किन चार्ट्स की शक्ल में विजुअलाइज किया, उनको कैसे चार्टिफाई किया, ये सारा कुछ हम डेटा सेट में देखते हैं। अब डेटा सेट को हम ट्री की शक्ल में डिस्प्ले कर सकते हैं, और जब मैंने कहा कि ट्री की शक्ल में डिस्प्ले कर सकते हैं, व्हाट आई बेसिकली मीन कि उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, लाइक सबसे पहले आपके पास रूट नोड होगा जिसे हम पेरेंट नोड कहते हैं, और फिर उस मतलब सेम लेवल पर जो होंगे उन्हें हम सिबलिंग्स कह देंगे, फिर जो नीचे होंगे हम उन्हें चाइल्ड कह देंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से डेटा सेट्स जो हैं हम उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब डेटा सेट्स को जब एडिट करने की बारी आती है तो यहाँ पे आपको राइट पेन में, राइट पैनल में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और इनको हम यहाँ से ड्रैग करके इस साइड पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्रुप है, अब वो कह रहा है कि ग्रुप जो है उसमें लाइक एक ग्रुप के अंदर आपने जो प्रोसेसिंग अप्लाई की है, लाइक ग्रुप के अंदर ये जो दो चीज़ें हैं अप्लाइंग मूविंग एवरेज एंड देन लाइन चार्ट, जो भी हम ग्रुप में चेंजेस अप्लाई करेंगे ना वो सिर्फ इन दोनों में होंगे और फिर बाकी चीज़ों में उन चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग का ऐसा चीज़ फ़ायदा हो जाता है इन अ केस कि अगर हमने एक पार्ट ऑफ द सेट में, एक पार्ट ऑफ द डेटा सेट में अगर कोई चेंज करना होता है तो बाकी चीज़ें हमारी अनअफेक्टेड रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूट वेक्टर्स क्या होते हैं? कंप्यूट वेक्टर्स और अप्लाई टू वेक्टर्स यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास कंप्यूट वेक्टर है एंड देन आपके पास ये अप्लाई टू वेक्टर है, ये दोनों जो हैं वो हम वेक्टर्स को कंप्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कंप्यूट स्केलर्स क्या होते हैं? ये आपके डेटा सेट में नए स्केलर्स ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारा बस इंपॉर्टेंट था लेक्चर नंबर 46 में। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 47 की। अब यहाँ पे देखें कुछ कंप्यूटेशन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है बात बिट रेट की, तो हम यहाँ पे इस कंप्यूटेशन में नेम रखेंगे बिट रेट। क्यों? क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं और इसका फॉर्मूला या इसकी वैल्यू इस तरह से होगी कि जो भी पैकेट की लेंथ होती है ना वो देखें होती है बाइट्स में, तो हमने तो बिट रेट कैलकुलेट करना है, तो इट्स ऑब्वियस कि हम क्या करेंगे कि हम पहले पैकेट लेंथ को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आपका जो आंसर है वो पहले बाइट्स में है एंड वी वांट कि उसका आंसर आपके पास बिट्स में आ जाए। सो व्हाट वी विल डू कि हम पैकेट लेंथ को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से आंसर जो है वो आपका आ जाएगा बिट्स में, एंड एट द वेरी एंड आपने क्या करना है, आपने उसको डिवाइड कर देना है सेंड इंटरवल से, लाइक एक पैकेट और फिर दूसरे पैकेट, इन दोनों के सेंड होने में दरमियान में कितना गैप आया, कितना ड्यूरेशन आया, उसको हम सेंड इंटरवल से डिनोट करते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बिट रेट।
ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ जाती है। इस एग्जांपल में हमने थ्रूपुट कैलकुलेट करना है, जो हम मैक्सिमम कैपेसिटी जिसे हम कह रहे होते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले रिसीव्ड बाइट काउंट को मल्टीप्लाई कर देना है 8 से अगेन बिट्स के लिए, और फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है नेटवर्क की जितनी ड्यूरेशन है उसके साथ। ये फॉर्मूलाज और नेम्स बस आपने याद रखने हैं। अच्छा, फिर टोटल रिसीव्ड बाइट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो सम फंक्शन यूज़ करना है, और सम फंक्शन में हमने पैरामीटर या जिसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं वो दे दिया रिसीव्ड बाइट काउंट। क्यों? क्योंकि हमने टोटल बाइट्स जितनी भी रिसीव की हैं, समझ लें दूसरे नेटवर्क ने, दूसरे कंप्यूटर ने, वो हमने काउंट करनी है। तो हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें रिसीव्ड बाइट काउंट लिख देंगे। तो एट द एंड आपके पास जो वैल्यू आएगी उसका नाम होगा टोटल रिसीव्ड बाइट्स। इसी तरह टोटल होस्ट रिसीव्ड बाइट्स। अब समटाइम्स क्या होता है, नेटवर्क में कुछ होस्ट भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि भाई टोटल रिसीव्ड बाइट्स नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ ये देखना है कि लाइक होस्ट ने, जो होस्ट आपका कंप्यूटर था उसने कितनी बाइट्स रिसीव की, तो हम क्या करेंगे कि अगेन सम फंक्शन तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि पूरे नेटवर्क ने नहीं बल्कि सिर्फ होस्ट ने, डॉट ऑपरेटर से आपने इसको जो आगे फेच कर लिया कि कितनी बाइट्स रिसीव की होस्ट ने, उनका जब हमने सम लिया तो आपके पास टोटल होस्ट रिसीव्ड बाइट्स आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एवरेज पीक डिले कैलकुलेट करना है तो पहले हम पीक फाइंड करेंगे डिले की, तो उसके लिए हमने मैक्स फंक्शन लगाया, मैक्स से हमने कैलकुलेट कर लिया डिले, और फिर हमने क्योंकि उसका एवरेज लेना था तो इस पूरे मैक्स फंक्शन पे हमने ऊपर एक नेस्टेड फंक्शन यूज़ किया मीन का, और उससे आपके पास एवरेज आ जाएगी कि लाइक कितना जो है वो डिले आमतौर पर फेस किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 42 to 47। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।